आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। आज के इस वीडियो में स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत IPRP की नौकरी निकली हुई है, भर्तियां हो रही है। आप सब देख सकते हैं, ये है फार्मेट और हमारे यहाँ हमारे जिले के अन्य ब्लॉकों से आवेदन लिए जा रहे हैं IPRP की नौकरी से संबंधित। और यह जानकारी हमको ब्लॉक से ब्लॉक मिशन मैनेजर दीदी जी के द्वारा मिली है, तो दीदी हम आप सभी को बता रहे हैं। तो चलिए दीदी, इस नौकरी के बारे में पूरी जानकारी हम आप सबको बताते हैं कि यह नौकरी किस प्रकार की नौकरी है, आवेदन कैसे करना होगा, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता मापदंड क्या होने चाहिए और आपको कार्य क्या करना होगा और इस नौकरी में आपको वेतन मान कितना मिलेगा और आवेदन कैसे करना होगा, कहाँ पे आवेदन होगा, पूरी जानकारी हम आप सबको इस वीडियो में बताते हैं। तो दीदी, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दीदियों से मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि यदि अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज दीदी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, नए सदस्य हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी दीदियों को तुरंत के तुरंत मिल जाए। और स्वयं सहायता समूह में जो भी नौकरी निकलती है अलग अलग समय पे अलग अलग ब्लॉकों में आवेदन लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही समय सभी ब्लॉकों में आवेदन लिए जाएं। तो दीदी, सबसे पहले हम आप सबको बता देते हैं IPRP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दीदी देखिए, आई से हो गया इंटरनल, पी से हो गया प्रोफेशनल, आर से हो गया रिसोर्स और पी से हो गया पर्सन। इसका मतलब हो गया इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन, इसका यही फुल फॉर्म है, ठीक है दीदी। तो दीदी आप सभी को हम बता दें, IPRP जो होती है संकुल स्तरीय संघ की कैडर होती है और एक ब्लॉक में चार क्लस्टर बनाए जाते हैं, तो एक ब्लॉक में चार IPRP की तैनाती की जाती है। और ये दीदियां रिसोर्स पर्सन के रूप में स्वयं सहायता समूह की मदद करती हैं। तो दीदी IPRP कौन दीदी बन सकती हैं, IPRP बनने हेतु योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया मापदंड क्या क्या होने चाहिए, चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम आप सबको बताते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए। जी हाँ दीदी, जो दीदी इस नौकरी के लिए आवेदन करेगी वो दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। अगला है, अभ्यर्थी का समूह अनिवार्य रूप से ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ से जुड़ा होना चाहिए। उम्र की बात करें तो उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष, अधिक से अधिक 48 वर्ष होनी चाहिए। अभ्यर्थी को कम से कम इंटर पास होना चाहिए एवं हिंदी पढ़ने लिखने एवं अंक गणित का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से समूह ग्राम संगठन एवं संकुल संघ की पुस्तक लिखने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद अगला है, अभ्यर्थी को अपने जनपद के अन्य विकास खंड में अन्य जनपद में जा करके लंबी अवधि के लिए रुक कर कार्य करने में सक्षम होनी चाहिए। यानी दीदी को बाहर आने जाने में किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि IPRP की नौकरी है, आपको जो है दूसरे जनपदों में तैनात किया जाएगा, वहीं पे आपको आवासीय रहना होगा, रह करके आपको नौकरी करनी होगी, तो आने जाने में किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी को कम से कम 50 स्वयं सहायता समूह की बैठकों और ग्राम संगठन की 12 बैठक और संकुल स्तरीय संघ की कम से कम 6 मासिक बैठकों का अनुभव होना चाहिए। इनकी उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इन तीनों समुदायों की बैठक कैसे होती है, किस हिसाब से होती है। उसके बाद अगला है, अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से पूर्व से मिशन द्वारा न्यूनतम 5 दिन का बुककीपर का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो है बड़ा वाला स्मार्टफोन होना चाहिए और उसको आप अच्छे से चला लेती हो, क्योंकि दीदी अब मिशन के अंतर्गत सभी कार्य ऑनलाइन तरीके से किए जाएंगे ऐप के माध्यम से, ठीक है दीदी। इस नौकरी में प्रथम वरीयता किस दीदी को दी जाएगी ये भी जान लीजिए। तो दीदी देखिए, इस नौकरी में प्रथम वरीयता जो कैडर के रूप में दीदियां कार्य कर रही, जैसे समूह सखी, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, आजीविका सखी, ICRP, BRP, ये सब दीदियां हैं, अगर ये सब दीदियां इस नौकरी के लिए आवेदन करेंगी तो इनको प्रथम वरीयता दी जाएगी, क्योंकि इसमें कार्य का अनुभव मांगा जाता है, तो यानी कैडर्स दीदियों को इस नौकरी में वरीयता दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं, तो इस नौकरी में दीदी आप सबकी एक लिखित परीक्षा होगी, जब आप लिखित परीक्षा को पास कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू लिया जाएगा आपका। तो लिखित परीक्षा जो होगी कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें
में समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ की अवधारणा, प्रबंधन एवं लेखांकन से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी स्वयं सहायता समूह से, ग्राम संगठन, संकुल संघ से रिलेटिव ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो दीदी, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो भी नौकरियां निकलती हैं, तो नौकरियों में पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर किस टाइप के आते हैं, इस पे मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है। उसका लिंक आपको जो है लास्ट में एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकती हैं। और आईपीआरपी की नौकरी से संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक आपको जो है एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप सब देख सकते हैं। उसके बाद दीदी देखिए, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए योग्य माना जाएगा और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, जो दीदी आईपीआरपी बनेंगी उनको कार्य क्या करना होगा। तो दीदी देखिए, आईपीआरपी जो है संकुल स्तरीय संघ की कैडर होंगी, इनको फील्ड वर्क का ही कार्य दिया जाएगा और इनका कार्य है स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ की देखरेख करना, समूहों का खाता खुलवाना, जो निष्क्रिय समूह हो गए हैं उसको सक्रिय बनाना, ग्राम संगठन की बैठक करवाना, ग्राम संगठन में जो भी रजिस्टर होते हैं उसका लेखा जोखा कैसे करना है, बुक कीपर को बताना सिखाना, संकुल संघ का रजिस्टर कैसे लिखा जाता है, CLBK को बताएंगी सिखाएंगी, और मिशन के द्वारा जो भी फंड आते हैं, जो भी निधि आती है, उसका प्रपत्र कैसे भरना है, मांग कैसे करना है, पूरी पत्रावली तैयार करना, यही सारा कार्य जो है आईपीआरपी दीदी के द्वारा किया जाएगा। और आईपीआरपी दीदी ब्लॉक मिशन मैनेजर के आदेश एवं निर्देश के आधार पे ही कार्य करना होता है और अपनी रिपोर्ट आईपीआरपी दीदी ले जाकर के ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास ही जमा करती हैं। जब आईपीआरपी दीदी इतना सारा कार्य करेंगी तो उनको वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा? जिला प्रबंधक ने बताया कि यदि इतने सारे कार्य आईपीआरपी दीदी करेंगी तो उन्हें 6,000 रुपया प्रति माह वेतन और 2,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा, लेकिन महिलाओं को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर प्रति माह 12,000 रुपए से लेकर के 14,000 रुपए तक का भी वेतन दिया जाएगा। तो इसी हिसाब से आईपीआरपी दीदी को वेतन दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इस नौकरी में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा और आवेदन कैसे करना होगा। तो आप सब देख सकती हैं, ये है फॉर्मेट, आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन आवेदन प्रपत्र, और ये 3 पेज का है, आपकी एक फोटो भी लगेगी और इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं भरनी है, सब स्वयं सहायता समूह से रिलेटिव जानकारी आपसे पूछी जाएगी। और इसमें देखिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा ये जान लीजिए। तो यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आवेदक के शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आप कितना पढ़ी हैं, इंटर, स्नातक, MBA जो भी की हैं, आपको उस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगानी होगी। उसके बाद दीदी मिशन द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यदि दीदी आपको मिशन की तरफ से कोई ट्रेनिंग दी गई है, जैसे समूह सखी के पद पे आप ट्रेनिंग ली है, ICRP के पद पे ट्रेनिंग ली है, किसी भी कैडर के रूप में आपको ट्रेनिंग मिला है, आपको प्रमाण पत्र मिला होगा, तो उसकी भी फोटोकॉपी आपको लगाना होगा। उसके बाद पहचान पत्र की छाया प्रति, आपका जो आधार है आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी लगेगी। ग्राम संगठन की मुहर यहाँ पे लगवा लेना, मुहर लगवाने के बाद ग्राम संगठन के पदाधिकारियों का हस्ताक्षर हो जाएगा। उसके बाद संकुल स्तरीय संघ की मुहर लगेगी, संकुल स्तरीय संघ के पदाधिकारियों का हस्ताक्षर हो जाएगा, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का। उसके बाद यहाँ पे प्रपत्र भरने वाले का नाम एवं हस्ताक्षर, अपना नाम लिख करके हस्ताक्षर कर दीजिएगा। तो ये 3 पेज का फॉर्मेट है, इसी प्रकार से आपको फॉर्मेट मिलेगा और ये फॉर्मेट आपको आपके ब्लॉक पे ही मिल जाएगा। यदि आपको यह फॉर्मेट नहीं भरना आता है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, इसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप देख सकती हैं। इस नौकरी में आवेदन आपको कैसे करना है, तो इसका आवेदन ऑफलाइन तरीके से ही किया जाएगा और इसका आवेदन आप अपने संकुल स्तरीय संघ और ब्लॉक पे जा करके ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास कर सकती हैं ऑफलाइन तरीके से। और दीदी इस समय हमारे यहाँ अन्य ब्लॉकों में आईपीआरपी की भर्ती निकली हुई है और समूह की योग्य दीदियाँ इस नौकरी के लिए आवेदन कर रही हैं। तो दीदी वीडियो के माध्यम से यह जानकारी हम आप सभी दीदियों के साथ साझा कर रहे हैं ताकि आप सभी दीदियाँ अपने अपने ब्लॉक पे पता कर लीजिए। हो सकता है आपके यहाँ 15 दिन 1 माह बाद आवेदन लिया जाए, जब आप पहले से बात किए रहेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आप लोग भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो दीदी आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों को पसंद आई होगी। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई
जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दीदी।